लोग यहाँ पे एक ऐसी जॉब ढूंढ रहे हो जहाँ पे आपको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए एंड आप चाहते हो कि आप अपनी मर्जी से वहाँ पे काम कर पाओ, तो ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी आज की हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं आप सभी के लिए। तो दोस्तों, आज की जो जॉब अपडेट है वो आई है यहाँ पे HDFC बैंक की तरफ से, जहाँ पे HDFC बैंक जो है वो एक पार्ट टाइम रोल के लिए हायर कर रहा है फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स को। जहाँ पे आप लोगों का जो रोल रहने वाला है, क्या यहाँ पे आपको पेमेंट रहेगा, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, सब चीज़ों के बारे में हम इन डेप्थ में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें कि HDFC बैंक जो आपको ये रोल प्रोवाइड कर रहा है पार्ट टाइम जॉब के लिए, इस रोल का नाम क्या है। तो इस रोल का नाम जो है वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। एंड इस जॉब के रिगार्डिंग जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप जो है एक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर हो, यानी कि ऑलरेडी आपका कोई एक नेटवर्क है, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर हो आप, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप हाउसवाइफ हो या फिर कोई रिटायर्ड पर्सन हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हो तभी भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपका अगर कोई अपना खुद का बिजनेस है तो भी आप एलिजिबल रहोगे, या फिर आप कोई प्रोफेशनल इंसान हो, यानी कि प्रोफेशनल कैंडिडेट हो, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो स्टूडेंट है या फिर कोई सैलरी पर्सन है, कोई जॉब करता है, आप सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड एलिजिबिलिटी में सिर्फ यहाँ पे आपके पास जो बेसिक है कि 12th पास आप लोग होने चाहिए, अगर आप सिंपली 12th पास हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एज की बात करें तो आपका 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, 18 अबव अगर आप हो, मैक्सिमम एज 40 साल तक की भी अगर आपकी होगी तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यानी कि 18 ईयर्स से 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होने वाली। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें कि इस फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो आपका ये रोल रहने वाला है, यहाँ पे जो है आप लोगों का रोल क्या है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी, किस तरीके से आपको यहाँ पे क्या काम करना होता है एंड क्या ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इनकी वेबसाइट जो है, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियली वेबसाइट इनकी HDFC बैंक की। तो यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज़ का ना डिटेल में सब चीज़ों का बताया हुआ है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या आप यहाँ पे रोल अपना प्ले करोगे एंड आपको क्या काम करना होता है यहाँ पे। सो यहाँ पे ना आप लोगों को क्या करना है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट के अंदर जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन हैं, जो यहाँ पे मैक्सिमम लोग इनसे पूछते हैं एंड जो यहाँ पे इनसे पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में इन्होंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे आपको करना क्या है। तो आपको इनके जो इंश्योरेंस रिलेटेड पॉलिसीज़ रहती हैं एज अ कंसल्टेंट, वो आपको इनको सेल करनी होती है। सो सेल किसे करनी है, तो उसके लिए डेटा जो है वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। HDFC वाले आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स का, आपको उन्हें कॉन्टैक्ट करके इनकी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह रहती है वो उनको सेल करनी होती है एज अ कंसल्टेंट। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि इस पार्ट टाइम जॉब को आप अगर ऑलरेडी कोई फुल टाइम जॉब कर रहे हो उसके साथ कर सकते हो, तो इन्होंने बताया हुआ है कि आप उसके साथ भी इसे कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो एंड कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो तो भी आप एलिजिबल रहोगे, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। देन इन्होंने बताया कि यहाँ पे अगर आप जो है यहाँ पे ऑलरेडी कहीं पे इंश्योरेंस सेल कर रहे हो तो क्या आप यहाँ पे इनका पार्ट बन सकते हो या फिर नहीं बन सकते। तो इन्होंने बताया हुआ है कि कैन दी लाइसेंस बी ऑन वन पर्सनस नेम वेयर एज सेलिंग इज बींग डन बाय समवन एल्स। यानी अगर आपके नाम पे यहाँ पे लाइसेंस है कि आप इनके साथ काम कर रहे हो बट इंश्योरेंस कोई और सेल कर रहा है, तो इन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि द पर्सन हु हैज़ लाइसेंस कैन ओनली प्रोक्योर इंश्योरेंस बिजनेस, हाउएवर ही कैन टेक फैमिली सपोर्ट ओनली फॉर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट। यानी अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है बट आप अपने तरफ से अपने फ्रेंड को या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर को बोलते हो कि वो आपकी तरफ से सेल करें, तो आप वैसे भी कर सकते हो, तो वो भी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। देन यहाँ पे आपको जब आप एज ए इंश्योरेंस कंसल्टेंट जो है बन जाते हो यहाँ पे, वो कैसे बनेंगे वो मैं बताता हूँ आपको, बट जब बन जाते हो उसके बाद ये लोग आपको यहाँ पे एक रिलेशनशिप मैनेजर जो है वो एक डेडिकेटेड मैनेजर आपको अलॉट करते हैं, जो आपके साथ कॉन्टैक्ट रखेगा। एक इनका टोल फ्री नंबर रहता है, उसके थ्रू आप इनके साथ बात कर सकते हो या फिर ईमेल के थ्रू, एंड आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी कभी तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो। तो आपको जो काम है वो अपने घर से करना है, वर्क फ्रॉम होम रहेगा, आपको कहीं पे भी किसी ऑफिस में या ब्रांच में HDFC की नहीं जाना पड़ता, ठीक है। सो ये रहा कि आपका रोल क्या रहेगा, आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। सो यहाँ पे सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे कुछ लोग जो हैं ऑलरेडी जो कंसल्टेंट एज यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनके बारे में भी बताया हुआ है कि ये
जो है श्वेता दुबे हैं जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है इनका, इनकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। देन काफ़ी और लोग भी हैं यहाँ पे, आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है एंड कैसे आप अप्लाई करोगे, तो अप्लाई करने के लिए इन्होंने सिंपली यहाँ पे प्रोसेस बता रखा है कि आपको सबसे पहले अपना एप्लीकेशन फ़िल करना है, जिसका लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हुआ है। उसको आप जो फिल करोगे उसमें आपको अपनी बेसिक सी डिटेल डालनी है। डिटेल्स डालने के बाद स्टेप टू जो है वो आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन का रहेगा, जहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने हैं वेरीफिकेशन के लिए। तो आपके पास यहाँ पर एज प्रूफ आपको देना है, एड्रेस प्रूफ देना है, अपना एजुकेशन का प्रूफ कि आप 12th पास हो, देन पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज कलर फोटो आपको अपलोड करना है, आधार कार्ड एंड कैंसिल चेक की कॉपी आपको अपलोड करनी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जब आप सेकंड स्टेप में अपलोड करोगे, देन थर्ड स्टेप जो है वो आपका ट्रेनिंग का और सर्टिफिकेट का रहेगा। आपको एक ऑनलाइन ट्रेनिंग रहती है वो यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी। ट्रेनिंग जब आप ले लेते हो वो ऑनलाइन रहेगी, यहाँ पे कुछ कोर्सेज रहेंगे इनके बेसिकली, वो आपको गो थ्रू करने होते हैं क्लासेस। जब आप वो कर लेते हो तो आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, जो कि इन लोगों की तरफ से ये लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि प्रूफ रहेगा कि आप इनके साथ एज अ सर्टिफाइड लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर जो है बन के काम करोगे। देन जब आप ये सर्टिफिकेट अचीव करते हो तो आपका एक लास्ट स्टेप बचता है, जिसमें आपको अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि आपका ऑफर लेटर मिलता है HDFC बैंक की तरफ से, जो कि आपको अथोराइज्ड सेलर बनाएगा इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने के लिए। तो ये चार स्टेप रहेंगे जिसके थ्रू आप यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। और जैसे ही आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, देन आपको इनकी ब्रांच में नहीं जाना, आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर जो है वो अलॉट करेंगे ये लोग, जिस मैनेजर के थ्रू आप यहाँ पे सब अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो कि आपको कैसे काम करना है। वो आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे इनके नंबर के थ्रू यानी इनकी ईमेल्स के थ्रू। तो उसके बाद जो है वो आपको सब चीज़ों की गाइडेंस दे देंगे कि आपको डेटा कैसे मिलेगा, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी एंड आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। सो एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट आप जो है यहाँ पे कितना अर्निंग कर सकते हो, क्या पेमेंट रहता है, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने नहीं बताया, बट एज अ कंसल्टेंट आपको जो पेमेंट रहेगा ऑन अ कमीशन बेसिस रहता है एंड काफ़ी अच्छा आप यहाँ पे कमीशन अर्न कर सकते हो। पर मंथ जो है आप इजिली 40 से 45,000 ईजिली अर्न कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। देन आप लोगों को जो है यहाँ पे इनकी तरफ से फ्लेक्सिबल आवर्स रहेंगे, यानी आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो जिस टाइमिंग पे आप चाहो। दूसरा, फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए ये आपको कमीशन बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हैं सैलरी। देन आप लोगों को यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं, इनके प्रोग्राम्स रहते हैं कुछ, जिसके थ्रू आप जो भी रिवॉर्ड्स हैं वो आपको ये प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट भी इन लोगों की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाएगी, प्लस प्रोफेशनल गाइडेंस भी ये लोग आपको प्रोवाइड करेंगे एंड ये सब चीज़ें जो हैं ये लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। देन अगर आप इंटरेस्टेड हो ज़रूर अप्लाई करना पार्ट टाइम जॉब अगर ढूंढ रहे हो, तो लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हुआ है। देन दोस्तों, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, आपको कॉल नहीं आती या फिर कॉन्टैक्ट नहीं आता इन लोगों की तरफ से, मतलब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता, तो आप लोग जो है इनके टोल फ्री नंबर पे यहाँ पे कॉल कर सकते हो, टाइमिंग्स इन्होंने दी हुई हैं एंड आप इनकी हेल्प जो है उस पर ले सकते हो। सो आई होप आपको आज की वीडियो जो है अच्छी लगी होगी एंड जो अपडेट है पसंद आया होगा। और अगर इसी तरह के जॉब अपडेट्स चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हम मिलेंगे आपसे कल एक न्यू वीडियो में एक नए